आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना के बारे में बताने वाले हैं। और यह योजना अभी मतलब कि करीब 8-9 महीने पहले स्टार्ट हुई थी, उसके बाद दोबारा से इसकी ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ठीक है। और जो लोग आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं, तो उसके बारे में फुल डिटेल आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फुल डिटेल आपको मिलेगी, लेकिन शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, उसके बाद कमेंट करके बताइएगा। चलिए देखते हैं। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा देश के गरीब और श्रमिक महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके जरिए महिलाएं सिलाई मशीन प्राप्त करके अपना खुद का घर बैठे रोजगार शुरू कर सकती हैं, जिससे वह अच्छी आमदनी अर्जित कर सकती हैं। पूरी डिटेल मिलेगी। चलिए देख लेते हैं हम। प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन 2021। इस योजना का लाभ देश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को और श्रमिक महिलाओं को दिया जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा हर राज्य में 50,000 से अधिक महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी। इस योजना के जरिए श्रमिक महिलाएं सिलाई मशीन प्राप्त करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकेंगी। इस योजना के अंतर्गत देश की जो इच्छुक महिलाएं फ्री सिलाई मशीन लेना चाहती हैं, उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। इस योजना के अंतर्गत केवल 20 से 40 वर्ष की आयु की महिला ही आवेदन कर सकती है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं पहले इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो निःशुल्क सिलाई मशीन योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य देश की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त में सिलाई मशीन प्राप्त कराना, और यहाँ पर इसके जरिए श्रमिक महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, घर बैठे सिलाई करके अच्छी आमदनी इकट्ठा कर सकें, और श्रमिक महिलाओं को आत्मनिर्भर सशक्त बनाना। और इस योजना से ग्रामीण महिलाओं को स्थिति में सुधार भी आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस योजना का लाभ देश की श्रमिक महिलाओं को प्रदान किया जाएगा, ठीक है। किसको किसको लाभ मिलेगा ये देख लीजिए पहले। इस योजना के अंतर्गत देश की सभी श्रमिक महिलाओं को सरकार द्वारा निःशुल्क सिलाई मशीन प्राप्त कराई जाएगी। फ्री सिलाई मशीन प्राप्त करके देश की महिलाएं घर बैठे कपड़े भी सिल सकती हैं और अच्छी आमदनी अर्जित कर सकती हैं। देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की हों तो उस योजना के अंतर्गत उनको शामिल किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हम देश के गरीब महिलाओं को इस योजना के जरिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। और शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री सिलाई मशीन योजना 2021 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा हर राज्य में 50,000 से के अधिक महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब इतना कुछ जान लिया, तो ये मेन चीज़ जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, पात्रता क्या है आखिरकार। तो इस योजना के तहत आवेदन करने वाली महिलाओं की आयु 20 से 40 वर्ष होनी चाहिए। इससे फ्री सिलाई मशीन 2021 के अंतर्गत श्रमिक महिलाओं के पति की वार्षिक आय 12,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। देश की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं ही प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना के अधिक पात्र होंगी। देश की विधवा और विकलांग महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं, ठीक है। यदि कोई महिला विधवा है, विकलांग है, तो उसको भी इस योजना का लाभ मिल जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं कि पीएम सिलाई मशीन स्कीम 2021 के अंतर्गत दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे। आवेदिका का आधार कार्ड, यानी कि जो आवेदन करता है उसका आधार कार्ड लगेगा। आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, यदि विकलांग है तो विकलांगता का चिकित्सा प्रमाण पत्र, यदि कोई महिला विधवा है तो उसका विधवा निराश्रित विधवा प्रमाण पत्र, सामुदायिक प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जो कि हर जगह ज़रूरी होता ही है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हम अगर आपको बताएं ना, तो देखते हैं कौन कौन से राज्य में इस योजना को लागू किया गया है। इस योजना को इस समय केवल कुछ ही राज्यों में लागू किया गया है, जैसे हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार आदि। और कुछ समय बाद इस योजना को पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। और निःशुल्क के लिए आवेदन कैसे हम कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसको भी बताएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, निःशुल्क सिलाई मशीन योजना 2021 में आवेदन कर सकते हैं। और इस योजना के अंतर्गत जो इच्छुक श्रमिक महिलाएं आवेदन करना चाहती हैं, वो सर्वप्रथम भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाने के बाद फॉर्म को डाउनलोड करना है। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सारी जानकारियां, नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार आदि नंबर को भरना पड़ेगा। तो ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, हम दिखा देते हैं आपको जूम करके। ये देखिए, दिख रहा है ना, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द फ्री सप्लाई ऑफ सेविंग मशीन, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है मेल फीमेल, तो यहाँ पर मेल और फीमेल शायद दोनों के लिए है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है मेल फीमेल, ठीक है। चलिए देख लेते हैं।
तो सभी जानकारी भरने के बाद आपको अपने दस्तावेजों को, फोटोकॉपी को अपने आवेदन फॉर्म से अटैच करके और उसके बाद अपने संबंधित कार्यालय में ले जाकर के जमा कर देना है। और इसके बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म को कार्यालय के अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन करने के बाद आपको निःशुल्क स्टैम्पिंग प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो है प्रक्रिया ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है केवल। ठीक है, ऑफलाइन जा कर के आप आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। तो हम आप लोगों को बता दें यहाँ पर कि ऑनलाइन का कोई भी प्रोसेस नहीं है। ठीक है, मैंने पता भी किया था, तो ऑनलाइन का कोई प्रोसेस नहीं है, इसका जितना भी प्रोसेस है वो ऑफलाइन है। ठीक है, ऑफलाइन आवेदन करना पड़ेगा। जो भी इच्छुक हैं, जो भी आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको चले जाना है अपने विकास भवन में, तो वहाँ से आपको यहाँ पर फॉर्म भी मिल जाएगा, वहाँ से भी मिल जाएगा, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पर जा कर के, नहीं तो वहाँ से भी आपको फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर फॉर्म रहता है, तो वहाँ पर जा कर के आप पता कर लीजिए इसके बारे में और आप फॉर्म भर दीजिए जो भी भरना चाहते हैं अपना अपना। चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे स्लैम मशीन के बारे में कि यहाँ पर एक घर में, ठीक है, एक परिवार में एक ही महिला को इसका लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक परिवार की चार महिला ने आवेदन कर दिया तो चारों को मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। एक परिवार की केवल एक ही महिला को इसमें लाभ मिलेगा। परिवार की एक ही महिला आवेदन करें। और इसके बाद यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो गरीब वर्ग की महिला होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि बताया गया है, हमने आगे आपको बताया था, तो गरीब वर्ग की होगी तो प्रथम वरीयता दी जाएगी। ठीक है, और किसको वरीयता दी जाएगी ये भी हम आपको बता दें, जो महिला निराश्रित है, ठीक है, और जो महिला विधवा है और जो महिला विकलांग है, ठीक है, उनको भी इसमें प्रथम वरीयता दे दी जाएगी। सबको हटा करके उनको पहले वरीयता दी जाएगी, उसके बाद अदर को वरीयता दी जाएगी। अगर इस तरह के लोग नहीं मिलते हैं, नहीं होते हैं, आवेदन करते हैं, तो अलग लोगों को वरीयता दे दी जाएगी। और उसमें शायद जनरल कैटेगरी के लिए कम है, और उस तरह के जैसे OBC वगैरह के होते हैं, SC ST के होते हैं, तो इन लोगों को भी वरीयता दी जाएगी पहले, उसके बाद जनरल के लोगों को दी जाएगी वरीयता। ठीक है, और जो लोग हैं आवेदन करना चाहते हैं जाएं संपर्क करें इसके बारे में। ठीक है, और क्योंकि मैंने एक बार यहाँ पर संपर्क किया था, मुझे पता है इसके बारे में, और लेकिन आप लोग भी पता कर सकते हैं चाहे तो इसके बारे में और भी। ठीक है, तो ये 2021 की योजना है, आप आवेदन इसमें करिए, पता कीजिए और उसके बाद इसमें अप्लाई भी कर दीजिए। ठीक है, और अप्लाई करने के बाद अगर आप सिलेक्ट होती हैं तो आपको आपका जो कागज़ रहेगा, मतलब डॉक्यूमेंट रहेगा, आप जमा की रहेंगी, सबमिट की रहेंगी, उसको सत्यापन किया जाएगा। और सत्यापन करने के बाद आपको यहाँ पर सिलाई मशीन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और यही सब कुछ प्रोसेस है यहाँ पर जो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको सिलाई मशीन प्रदान कर दी जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।